हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज। एसपी क्लासेज में आप सभी स्टूडेंटों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरएचएस बीएससी नर्सिंग की। एक तो आपकी एग्ज़ाम डेट को लेकर के, आपकी एग्ज़ाम जो 2024 की एग्ज़ाम डेट है वो कब तक आपकी एग्ज़ाम होगी, साथ में ही आपकी सीट मैट्रिक्स को लेकर के बात करेंगे और आपका पेपर पैटर्न और आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसकी क्लास को लेकर के भी बात करने वाले हैं। तो आपके जितने भी डाउट हैं, आपके सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने सभी पीडीएफ जो है आपके एमसीक्यू की प्रीवियस ईयर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी थी। आई होप जिन स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया वो सभी स्टूडेंट ने देख ली होगी। और साथ में ही अगर हम आपकी एग्ज़ाम डेट को लेकर के और आपके जो एग्ज़ाम के अभी फॉरम चल रहे हैं उनको लेकर के बात करने वाले हैं, और आपकी एग्ज़ाम डेट के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो सीट मैट्रिक्स है उसके अंदर आपकी सीटें कितनी इस बार आपकी रहने वाली है और कौन सी बेस्ट आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन सी आपकी बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है। तो सभी डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो का एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं आरएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो आप लगभग हम चलते हैं आपकी जो 2024 की जो एडमिशन है उस एडमिशन फॉर्म के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीएससी नर्सिंग, तो बीएस नर्सिंग को लेकर के बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है अगर हम बात करें कि आपने फॉर्म जो है वो सभी स्टूडेंट लगभग फिल कर दिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक भी बाकी रह गए हैं। तो अभी आपके पास जो है वो थोड़ा टाइम है, लगभग 16 जुलाई के तक आपके जो फॉर्म है वो आपकी डेट रहने वाली है, और लगभग जो है आपकी आज 13 जुलाई की लगभग डेट हो चुकी है। 3 दिन का समय और आपके पास है। जिन स्टूडेंट अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो सभी स्टूडेंट जो है अपना फॉर्म भर दें, और इसके जो है आई होप डेट आपकी शायद आगे जाए। और उसके बाद में जो है, क्योंकि आरएचएस ने जो है शुरुआती फॉर्म जब स्टार्ट किया तो लगभग 3-4 दिनों के बाद में लिंक को स्टार्ट किया था, तो शायद आपको जो है थोड़ा टाइम आरएचएस डेट को और आगे बढ़ा सकता है। और जो यहाँ पे ऑप्शन आरएचएस ने जो ऐड किए हैं फिल फॉर्म, यहाँ पे जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, प्रिंट आप जो है वो अपने फॉर्म का ले सकते हैं, और आपका जो फॉरगेट है आप अपने फॉर्म नंबर को फॉरगेट भी कर पाएंगे, और जो आपने पेमेंट किया है उस पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉरम को एडिट, आपको फॉरम एडिट का ऑप्शन भी आरएचएस ने यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन इस फॉरम जो है वो अभी तक इसको एक्टिव नहीं किया है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी डेट लिखी आती है, स्टार्ट की डेट रहने वाली है, स्टार्ट डेट ऑफ एडिट विंडो 19 जुलाई। 19 जुलाई को जो है वो आप अपने फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। अभी आप अपने फॉर्म फिल कर दें, अगर आपके कुछ गलतियाँ हो जाती हैं फॉरम में तो आप अपने एडिट भी कर पाएंगे। आरएचएस ने ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए दिया है। साथ में ही आप जैसे यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन बुकलेट, नोटिफिकेशन और सिलेबस को भी अपलोड कर दिया था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। आई होप वो वीडियो आप सभी स्टूडेंट देख लिया होगा। अगर हम यहाँ पे डेट शो की हुई है आरएचएस ने, जो यहाँ पे मैंने आपको अभी अभी बताई है, उसके बाद में हम चलते हैं आपकी सीट मैट्रिक्स के ऊपर। वहाँ जाकर के हम आपकी जो जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं उसको देखेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे आपकी पेपर पैटर्न की, आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, और आपके जो है कितने एमसीक्यू आने वाले हैं, और आपके जो ऑनलाइन मोड में होगी ऑफलाइन मोड में होगी, तो पेपर पैटर्न की कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो अब हम आपके सीट मैट्रिक्स के ऊपर चलते हैं, और उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो कब तक आपकी एग्ज़ाम आरएचएस कंडक्ट करवा देगा। तो अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें, यहाँ पे अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें, तो आप लगभग ये सोच के चलिएगा कि आपके जो एग्ज़ाम है वो लगभग जो है वो लगभग आपके अगस्त में ही होने हैं, क्योंकि अभी आपके जो है वो 19 जुलाई को जो है आपका एडिट का ऑप्शन स्टार्ट होगा, आरएचएस एडिट का ऑप्शन स्टार्ट करेगा। उसके बाद में 21 या 20 जुलाई तक जो है वो आपके फॉर्म एडिट होगा, उसके बाद में एडमिट कार्ड भी जारी करने हैं। लगभग फॉर्म भरने के बाद में लगभग आपकी 4 या 5 दिनों के बाद में आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, और एडमिट कार्ड जारी होने के लगभग 7 दिनों के बाद में, 1 सप्ताह वीक के बाद में आपकी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है। तो अगर हम अगस्त में बात करें तो अगस्त में लगभग आपकी एग्ज़ाम जो है वो संडे को होनी है, तो आपका जो संडे है वो एक तो आपको 4 अगस्त का है और एक आपका 11 अगस्त का है। तो लगभग जो है आपकी एग्ज़ाम की जो संभावनाएं जो हैं वो लगभग 11 अगस्त के लगभग हैं। 11 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम लगभग कंफर्म आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के, तो आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से रखें। 4 अगस्त या 11 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम डेट कन्फर्म मान के ही चलिएगा, क्योंकि अभी आरएचएस ने बहुत डिले कर दिया है। लास्ट ईयर आपकी जो एग्ज़ाम है वो लगभग आरएचएस ने 23 जुलाई को कंडक्ट करवा दी थी,
23 जुलाई को आरएचएस ने उसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, लेकिन अभी तक आरएचएस ने आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाई। तो आरएचएस अब आपकी जल्दी ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, लगभग अगस्त का फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगी। तो सभी स्टूडेंट अच्छी तरीके से तैयारी करें और प्रीवियस ईयर के पेपर और आप जितने भी एमसीक्यू हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूँगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर हम अब आपकी सीट मैट्रिक्स को लेकर के बात करें, अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो सोच के चलते हैं कि हमें इस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो सभी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मैं शो कर दूंगा और सीट मैट्रिक्स पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा कौन सी कॉलेज के अंदर कितनी सीटें खाली हैं। तो सबसे पहले हम आप चलते हैं आपकी सीट मैट्रिक्स के ऊपर। फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं आपकी सीट मैट्रिक्स के ऊपर। आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि लगभग ये जो है वो 2023 की जो फर्स्ट राउंड की सीट मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप सभी कॉलेजेस शो कर सकते हैं। लगभग सभी कॉलेजेस आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, सभी गवर्नमेंट कॉलेजों और प्राइवेट कॉलेजों की लिस्ट यहाँ आपके सामने है, मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूँगा, वहाँ जा करके आप देख लीजिएगा। तो अगर हम बात करें आपके गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या की, तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या जो है वो 39 आपकी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और 39 गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर लगभग बहुत सारे कॉलेजों के अंदर आपकी 50 सीट हैं और किसी में 60 हैं, किसी में 100 सीटें भी आपकी हैं। तो लगभग अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या को लेकर के बात करें, और उसके बाद में अगर हम टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, तो एसएमएस जयपुर आपकी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाली है, उसके बाद में आरएचएस है, उसके बाद में अजमेर है, अलवर है। तो सभी गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं वो आपके अच्छी कॉलेजें हैं। उसको लेकर के आपकी कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, जब आपका पेपर जो है वो कंडक्ट करवा देगा आरएचएस, उसके बाद में हम कंप्लीट डिटेल में लेकर के काउंसलिंग और आपकी जो कट ऑफ है उसको लेकर के बात करेंगे। तो ये चैनल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लगभग जो आरएचएस कॉलेज है उसके अंदर आपकी लगभग 100 सीटें हैं, और जो जयपुर एसएमएस कॉलेज है उसके अंदर आपकी 100 सीटें हैं, और सभी कॉलेजों के अंदर लगभग आपकी 60-60 सीटें हैं। बीकानेर कॉलेज के अंदर भी आपकी 100 सीटें रहने वाली हैं। तो सभी कॉलेजों के अंदर आप देख सकते हैं, जिन जिन कॉलेजों जो हैं वो ओल्ड कॉलेज हैं, ओल्ड कॉलेजों के अंदर लगभग आपकी 100 सीटें हैं, लगभग वो 6 या 7 कॉलेज हैं जिसके अंदर आपकी 100 सीटें हैं, बाकी सभी के अंदर आपकी 60-60 सीटें रहने वाली हैं। तो ये आपकी सीट मैट्रिक्स है, और टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजों को लेकर के बात करें तो लगभग आपकी 186 कॉलेज आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की रहने वाली है। तो इस बार शायद आपकी प्राइवेट कॉलेज की संख्या कुछ इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखने का, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे ऐसे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।